नेक्स्ट सेशन बात करनी है बिटकॉइन और उसके रिलेटेड टॉपिक्स। एक तो हमने देखना है एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। ये जरा जो मुद्दा है थियरी टाइप का, आपको एमसीक्यू में सीसेट में भी परेशान करता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और बैंक एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं फंक्शन ऑफ मनी, उसका एमसीक्यू निकाल। बाकी के जो सारी बातें हैं कि ये बिटकॉइन चीज क्या है, उसके फायदे नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंस वगैरह में ये कैसे क्या एंगल बनते हैं, वो सारा आपको परेशान करता है मुख्य परीक्षा और उसका जनरल स्टडीज पेपर 3 और मनी लॉन्ड्रिंग इश्यू में। आप में से जिन मित्रों ने ये एमसीए ईसी और ऐसे कोई आईटी रिलेटेड कोर्स किए हैं तो इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं ये बिटकॉइन सिस्टम क्या है, कैसे काम करना, तो थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। शुरू करते हैं। अब फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था कि पैसा नहीं था तो भी लोग आपस में व्यापार करते हैं यूजिंग बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास कुछ टमाटर है इतने सामने आप गेहूं दीजिए वगैरह वगैरह। तो बार्टर सिस्टम था, उसके बेनिफिट क्या थे? एक तो बहुत आसान फॉरेन एक्सचेंज रिजिम, और ये जो हमने देखा फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये पूरी मगजमारी की कोई कि आपको क्रूड ऑयल चाहिए तो सऊदी को बोलो कि हम आपको इतना गेहूं देंगे, सामने आप अपने इतने हमको ऑयल बैरल्स दो, आसानी से काम हो जाता। ये पूरा फॉरेक्स रिजिम और ये वो करने की बीओपी वगैरह की झंझट नहीं रहती। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी नहीं हो सकता ज्यादा, क्योंकि आप देखिए अगर टमाटर उगा रहे हो तो वो पेरिशेबल चीज है, ऐसा तो नहीं कि आप उसके किंग बन जाओगे गोडाउन में जमा करते करते कभी तो हाँ उसको बेच के फिर आपके पास रुपया आ गया तो आप बहुत ज्यादा मादार हो, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जितना रूपी सिस्टम में होता है उतना बार्टर सिस्टम में हो नहीं सकता। तो ये कुछ उसके फायदे थे। नुकसान क्या? एक तो हमने देखा वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की चीज चाहती हो तो ही ट्रेड संभव है वरना संभव नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर को ये प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आप समझिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं तो अगर मेरे पास टमाटर है और मैं बेचना चाहूंगा लेकिन मुझे कोई गेहूं वाली पार्टी मिलती नहीं तो मैं फिर सबक लेके अपने ही बगीचे में कुछ गेहूं उगाना शुरू कर दूंगा। उसी प्रकार मार्क जुकरबर्ग, तो उसका क्या काम है, कोड बना के वेबसाइट डेवलप करो, तो वो भी नहीं, मैं तो गाय लेके आता हूं दूध निकालना है क्योंकि उसको भी पता है कि बार्टर सिस्टम में वो कहां कहां से क्या क्या लाए। तो हर एक आदमी एवरीवन ट्राइज टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और डिवीजन ऑफ लेबर को ये प्रमोट नहीं करता है। और पेरिशेबल गुड्स की आप समझिए, उसके किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि अब टमाटर बिगड़ नहीं आए तो फिर कम कीमत में भी, मतलब कि इतने थोड़े से गेहूं में भी उसको बेचना पड़ेगा वरना उसे पता है पूरा खलास हो जाए। आगे समस्या है कि पैसा अगर आपके पास होगा तो उसको आप बचत करके बैंक वगैरह में आपकी सेविंग कैपिटल बन सकती है, यहां पर वो मुमकिन नहीं है बार्टर सिस्टम में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ये प्रमोट नहीं करता। एक और समस्या, डिविजिबिलिटी और फंजिबिलिटी यहाँ पे होते नहीं, ये जरा समझ ले। फंजिबिलिटी उसको बोलते हैं कि अगर कोई चीज इट कैन बी डिवाइडेड एंड इंडिविजुअल यूनिट्स आर म्यूचुअली सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। 1000 की नोट है तो उसका डिवीजन पॉसिबल है, 500-500 की दो नोट बना सकते हो, और इसमें एक नोट की ये इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये वाली 500 की नोट से भी एक घड़ी खरीद सकते हो और वही घड़ी आप ये वाली 500 की नोट से भी खरीद सकते हो, और इन दोनों नोट को आप वापस जमा कर दो तो बन गया 1000 रुपए हो गए आपके पास और 1000 रुपए की चीज आप खरीद सकते हो। मतलब डिवीजन पॉसिबल यस, म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल यस, और जो कंपोनेंट्स है उसको जमा करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मतलब करेंसी है वो फंजिबल रहती है। लेकिन अगर हीरे की बात करिए आप, बहुत बड़ा हीरा है तो कलर क्लैरिटी उस हिसाब से उसकी ज्यादा कीमत होगी। इसको मैं काट के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो हर एक की कीमत अलग हो जाएगी डिपेंडिंग की उसकी कट क्लैरिटी पॉलिशिंग कैसा है। और इन सभी हीरो को वजन के हिसाब से, मान लो ये जितने ग्राम का है उतने ही ये कुल मिला के, फिर भी ये वाले हीरे इससे सस्ते में बिकेंगे कलेक्टिवली भी, क्योंकि हीरे के अंदर जितना पीस बड़ा होगा एडिशनल उसका दाम होता रहेगा। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार मान लो बार्टर सिस्टम में छुट्टे की मगजमारी हुई और कि चलो मैं टमाटर काट के आपको आधा देता हूं तो तकलीफ होगी इस हिसाब से। टमाटर को आप बीच में से वर्टिकल में काटोगे तो बराबर है, इंडिविजुअल समान हो गए, लेकिन ऐसा कि मैं उसका आउटर लेयर ही काट के दूं और अंदर का मस्त मावा वो तो फिर वो ये सिचुएशन फुलफिल नहीं करता क्या? दे आर नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, फंजिबल नहीं है वो। अच्छा सोच के बताओ, गोल्ड फंजिबल है क्या? गोल्ड फंजिबल इसलिए है, मैं उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो भी वजन के हिसाब से वो रहेंगे, और उनको पिघला के मैं वापस अगर गोल्ड बिस्किट बना दूं तो ओरिजिनल दाम आ जाएगा। तो हाँ, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर ये फंजिबल आइटम्स हैं। एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी के शेयर के साथ फंजिबल है क्या? नो।
म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो आपको एमसीक्यू में चार पांच नाम दे देंगे और फिर कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंजिबल, तो फिर आप उस हिसाब से जोड़ के आंसर कर दीजिएगा। खैर, तो बार्टर सिस्टम की ये समस्याएं थी और स्वाभाविक समस्याएं, तो जुगाड़ के रूप में लोगों ने पैसों का आविष्कार किया। और पैसों का आविष्कार किया तो ये पैसे का काम क्या है, हमको तो पता है, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका परचेज और बिक्री करने के लिए। लेकिन टेक्निकली देखें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो फंक्शन ऑफ मनी दो टाइप के हैं, प्राइमरी फंक्शन, और वो प्राइमरी फंक्शन के हिसाब से कुछ नए फंक्शन निकले उसको बोलते हैं डेरिवेटिव फंक्शन। तो लिस्ट और क्लासिफिकेशन पूछते हैं कई बार कि इसमें से कौन सा प्राइमरी, याद करना पड़ेगा, देख लेते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी सबसे पहला है, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस तरह से, पहले मैं टमाटर को बदलवाता था गेहूं में, अब क्या करूंगा, मैं टमाटर किसी को बेच के मेरे पास रुपया आएगा और वो रुपया लेके मैं किसी से गेहूं खरीदूंगा। सो मनी हैज बिकम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, मेजर ऑफ वैल्यू, मेरी हाइट कितनी होगी तो वो सेंटीमीटर में आप मेजर कर सकते हो, इस बोतल के अंदर कितना पानी है मिलीलीटर लीटर में आप मेजर कर सकते हो। तो किसी व्यक्ति के लेबर की क्या कीमत है, किसी ने अगर प्रोडक्शन किया तो उस गुड्स की क्या कीमत है, आप कैसे मेजर करोगे, फुटपट्टी से नहीं, पैसों की मदद से। इट बिकम्स द मेजर ऑफ वैल्यू, की ये गेहूं तो इतने रुपए का है, टमाटर इतने रुपए का है, और वो कर सकते हो, इस हिसाब से फिर एक्सचेंज आप कर पाओगे। अब प्राइमरी फंक्शन तो याद रखेंगे आप, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि पैसा, इट इज रेडिली एक्सेप्टेबल, पैसा ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, आसानी से रिकॉग्नाइजेबल है, अंधे लोग भी वो देख सकते हैं, ट्रायंगल सर्कल ऐसा पॉइंट किया है, इवन अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, 10 रुपए की 20 रुपए वो कलर और साइज के हिसाब से बोल सकता है, तो दे आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल, डिविजिबल है, फंजिबल है, हाँ हमने अभी देखा, और इसकी नकल बनाना काफी मुश्किल है। तो इस कारण से प्राइमरी फंक्शन क्या हुए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये बोल देते हैं डिविजिबल है और फंजिबल है, तो उसका फंक्शन नहीं, वो तो बेनिफिट वगैरह है, तो इस हिसाब से याद रखिए। खैर, तो फंक्शन ऑफ मनी फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यस, मेजर ऑफ वैल्यू यस, तो ये प्राइमरी फंक्शन और उसकी मदद से कुछ और नए कामों में वो हमारी मदद करता है, देवर कॉल्ड डेरिवेटिव फंक्शन। तीन टाइप के डेरिवेटिव फंक्शन है, एसटीडी, एस मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, कैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो ये मेरा लेबर हुआ और लेबर की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, पैसों के रूप में, अब मैं वो पैसे बैंक में जमा करा सकता हूं तो मेरा सेविंग इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, इस प्रकार से मेरे लेबर की वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूं। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि मैंने लेबर दिया अहमदाबाद में, पैसा रखा अहमदाबाद की बैंक में, फिर भी मान लो मैं कश्मीर में जाऊं, कन्याकुमारी में घूमने जाऊं, एटीएम से पैसा निकाल सकता हूं और जो भी चीज खरीदनी है, तो मतलब अपने लेबर की जो ओरिजिन यहां अहमदाबाद में था, आई कैन ट्रांसफर द वैल्यू टू अदर प्लेसेस। थर्ड, डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट मतलब ये ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, लोन में पैसा दिया, उस हिसाब से पेमेंट को डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं कि इतने समय तक यहाँ पे इतना ब्याज मिलता था, आप उससे मुझे इतना ज्यादा दो, तो डिफर्ड पेमेंट में ये ईएमआई वगैरह में आपकी मदद करता है। तो डेरिवेटिव फंक्शन उसके एसटीडी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर और डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। प्राइमरी, डेरिवेटिव, ये आप रट्टा मार लीजिएगा, एमसीक्यू में परेशान करता है। कुछ अन्य फायदे इसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारे हमको पता है सरकार का ये काम है कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लो और गरीब कल्याण में वो यूज करो। या मनी सिस्टम में तो पॉसिबल है कि 10%, 20%, 30% इनकम टैक्स, तो अमीर आदमी को 30 देना पड़ेगा और इस हिसाब से वो सारा पैसा है और गरीब कल्याण में डालो। लेकिन मान लो अगर हम बार्टर सिस्टम में रहते और रतन टाटा ने 100 गाड़ियां बनाई, तो स्वाभाविक है 30% के हिसाब से 30 गाड़ियां उसने देनी पड़ेगी सरकार को। अब ये 30 गाड़ियां हम गरीब कल्याण में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि ये सारे मिरर है वो तोड़ के हर एक बीपीएल फैमिली को कि वो दाढ़ी बनाने में फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये चार टायर निकाल दो और बच्चों को कि वो ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बार्टर सिस्टम में शक्य नहीं है। आगे बात, पैसा एक सोशल एम्पावरमेंट का टूल भी है। पुराने जमाने में आप याद करो, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, तो जमींदार लोग इनसे मजूरी करवाते थे, पगार के नाम पे पैसा कुछ नहीं, बस ये होली दिवाली हो तो एक बोरी गेहूं चावल दे दिया, एक जोड़ी कपड़ा दे दिया। तो आप समझिए ऐसी बार्टर सिस्टम में अगर लेबर हो तो वो आदमी कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो वो आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन अब मनी सिस्टम में क्या फायदा है,
कोई भी आदमी, आप लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप आपके पास है तो आप उसके सामने पैसा कमा सकते हो। आपके पास जमीन है, रेंट पे, लीज पे बेच घुमा के आप पैसा ले सकते हो। आप अगर टैलेंटेड आदमी है, लेबर दो, शाम को पगार मिल जाएगा। जो आपके पास पैसा बचा वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा। आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेसमैन, बिजनेस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप करो और प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो आज की तारीख में आप फिजिकली केपेबल हैं, डिसेबल हैं, कौन सी कास्ट से, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इट इज इमटेरियल। मनी सिस्टम में आपके पास अगर ये आप लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये सोशल एम्पावरमेंट का टूल है जो पहले बार्टर सिस्टम में कभी मुमकिन था नहीं। तो इन सारे मुद्दों के अंतर्गत अगर आपको कुछ ऐसे के अंदर या ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में कहा जाए मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, आंसर इज नो। पैसा खुद इविल नहीं है, पैसों की लालच जो ग्रीड है, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल। कि अगर आप मनी बंद करके वापस बार्टर में चले जाओगे तो भी जो लालची लोग होंगे तो वो कुछ ना कुछ गलत करते रहेंगे। okay. तो अब तक हमने देखा बार्टर सिस्टम, उसके फायदे नुकसान और मनी के क्या फंक्शन थे, क्या प्राइमरी, डेरिवेटिव और अदर फंक्शन। अब बात करें एवोल्यूशन ऑफ मनी कि इंसान की तो उत्क्रांति हुई है, पहले वानर था, फिर आदिमानव, फिर मनुष्य। उसी प्रकार पैसों का भी एवोल्यूशन हुआ है। पहले था कमोडिटी मनी, फिर मेटालिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर बैंक मनी, और उत्क्रांति का जो लेटेस्ट फेज है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइंस। अब आप सोचिए उत्क्रांति कब होती है, जब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वो एनवायरमेंट के साथ कुछ केपेबल बनना चाहे। तो अगर एवोल्यूशन हुआ है उसका मतलब कि पुरानी वाली सिस्टम में कुछ ना कुछ गलतियां थी, खामियां थी, तो जनता ने सोच के कुछ नया बनाया। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कमोडिटी मनी कि कमोडिटी यानी ये कोई भी चीज, मेटल है, एग्रीकल्चर है, वही आप करेंसी के रूप में यूज करो। अमेरिका के अंदर जब सबसे पहले यूरोपियन लोग अमेरिका में गए और कॉलोनी एस्टेब्लिश की तो करेंसी के नाम पे वो कमोडिटी ही यूज करते थे कि इतने किलो तंबाकू के पत्ते तो उसके सामने इतना दूध, इतनी मुर्गियां, सभी सिस्टम टोबैको के साथ लिंक कर दी। यहां तक कि उनकी कुछ कॉलोनियल सरकारें ये भी परमिट करती कि आपको जो टैक्स भरना है वो इतने तंबाकू के पत्तों के वजन के हिसाब से भरना पड़ेगा। उसी प्रकार जहां पे कॉर्न ज्यादा उगता था तो कॉर्न, आयरन नेल्स, बियर बेल्ट, ये सारी चीजों को ही पैसे के रूप में आपस में वो यूज करते थे। एस्टेक सभ्यता के अंदर कोको बीन्स को भी करेंसी के रूप में यूज किया गया। भारत और पैसिफिक के कुछ जो आइलैंड है या तटवर्ती इलाके हैं वहां पे कावरीज, मतलब वो शंख चिपला, उसको भी कमोडिटी के रूप में यूज किया जाता था। फिजी के अंदर ये व्हेल मछली के दांतों को वो यूज करते थे। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अगर कोई सेना सामने दुश्मनों को कैप्चर कर ले, प्रिजनर ऑफ वॉर बना ले, तो फिर उनका एक कैंप लगा देते थे और फिर प्रिजनर ऑफ वॉर से वो रेलवे लाइन लगाएंगे, ये वो काम करवाते थे। तो ये जो प्रिजनर थे वो आपस में भी ट्रेड करते, तो सिगरेट को करेंसी के रूप में मान के करते थे। तो ये सारे एग्जांपल हैं कमोडिटी मनी के। कमोडिटी मनी के फायदे नुकसान क्या है? फायदा ये, इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। कि तंबाकू की बात है तो जब तक करेंसी के रूप में करना है तो बॉल पेन खरीदी तो खरीद ली, नहीं मजा आया तो जिंदगी का साथ भी आप निभा सकते हैं उसके का। तो ये उसका फायदा हुआ कि इंट्रिंसिक वैल्यू आप कुछ ना कुछ उसकी मदद से बना सकते हो। नुकसान क्या है? फर्स्ट, इसकी फेल जो फेस वैल्यू है वो पूरे रीजन में एक समान नहीं होगी। मान लीजिए हम ये सोच के चले कि एक किलो तंबाकू की कीमत होगी एक बॉल पेन, तो जो ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल करता है उनके लिए वो कुछ और होगा। किसी और प्रदेश में जाइए जहां कोई भी आदमी तंबाकू यूज नहीं करता, दे विल नॉट परचेज। फेस वैल्यू इज नॉट सेम फॉर आउटसाइडर। स्पेनिश लोगों को कहीं से ये बात मिली कि एस्टेक लोगों के पास ढेर सारा सोना चांदी है, तो स्पेन से वो कॉन्क्विस्टाड और उन्होंने अटैक कर दिया और एस्टेक राजाओं के खजानों को लूटना शुरू किया। जब गोदाम खोले गए, सोना तो वो लेके चले गए लेकिन कोको पड़ा था वो तो ये कचर पट्टी क्या है, फेंक दिया। बाद में चल के पता चला कि यार ये कोको में से तो वो चॉकलेट बना सकते हैं और वो तो इतनी कीमती है कि बात मत पूछ। तो फेस वैल्यू इज नॉट सेम फॉर आउटसाइडर। पेरिशेबल, अगर तंबाकू के हिसाब से हम चले और अचानक से कुछ डिसीज हो गया, सारा पाक खत्म हो गया, तो इन्फ्लेशन वगैरह की समस्या आ सकती है। बल्कि टू कैरी, अभी ये है कि एक नैनो गाड़ी की कीमत लाख रुपए, हो सकता है तमाम एक ट्रक भर के आप लाओ तब जाके बल्कि टू कैरी। डिवीजन ऑफ लेबर को ये प्रमोट नहीं करता है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाता हूँ क्यों मुझे पैसा मिले, आप पढ़ते हैं क्यों कि हमें अफसर बनना है। लेकिन अगर ये सिस्टम होता कि तंबाकू ही करेंसी है तो ये मजूरी कौन करे जाके तंबाकू की खेती। डिवीजन ऑफ लेबर नॉट पॉसिबल। तो
कमोडिटी मनी में ये समस्याएं थी, तो स्वाभाविक है एवोल्यूशन करना पड़ेगा, लोग आगे बढ़ गए मेटालिक मनी में। मेटालिक मनी भी शुरुआत में तो कमोडिटी मनी ही था कि सोने इतना ग्राम सोना हो तो इसके सामने ये इतने भेड़ बकरी इतने हाथी घोड़े कमोडिटी मनी के रूप में। लेकिन बाद में कुछ ट्रेड गिल्ड्स और राजाओं ने इसी मेटल को पिघलाकर कुछ व्यवस्थित शेप दे के उस पर अपना मार्क लगा के कॉइन के रूप में सर्कुलेट करना शुरू किया। सोने के जो सिक्के बने तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कुछ हाथी घोड़ा खरीदना है। चांदी के तो फिर मॉडरेट वैल्यू ट्रांजेक्शन, मतलब बकरी वगैरह खरीदना है। और रोज जो बीड़ी वगैरह पीते थे तो कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन थे। जैसे आज है हमारे पास की हजार हजार रुपए की नोट, 500 की नोट, 100 की नोट, 10 का है ना, तो उस हिसाब से गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज चलता है। फायदे क्या है, इसकी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप मेटल में मजा आया तो मजा आया, नहीं तो पिघला के उसका कोई ऑर्नामेंट वेसल यू कैन क्रिएट। नॉन पेरिशेबल है, इसको जंग नहीं लगेगा कुछ भी। डिविजिबल है, हाँ। फंजिबल है, हाँ। कैसे, टुकड़े भी कर सकते हो, मेल्ट करके वापस कंबाइन करो तो ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पर फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल है। देखिए कमोडिटी ट्रेड में तमाकू यहाँ पे उगता हो लेकिन सामने वाला देश में कोई उसे यूज नहीं करता हो तो फॉरेन ट्रेड कर नहीं सकते थे। लेकिन हर एक देश सोना चांदी तो इस्तेमाल करेगा ही, तो फॉर्मल एक्सचेंज रेट भी ना हो तब भी फॉरेन ट्रेड आप कर सकते हो इसके वेट के हिसाब से। और आप याद करिए वो जर्मनी के अंदर उन्होंने अचानक से ढेर सारा नोट छापना शुरू कर दिया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस और हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। यहाँ ये वस्तु शक्य नहीं क्योंकि मेटल है तो प्रोडक्शन काफी कम रहता है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, ये वो, तो प्राइस स्टेबल रहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या नहीं होगी। तो ये सारे उसकी फायदे थे। अब मेटालिक मनी के नुकसान क्या है, ये हमको मुगल सल्तनत की केस स्टडी से पता चल जाएगा। मुगल सल्तनत के अंदर तीन टाइप के कॉइन्स चलते थे। गोल्ड कॉइन्स जिसको बोलते थे मुहर, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, हाथी घोड़ा खरीदो। सिल्वर जो कॉइन चलते थे उसको बोलते थे रुपया, और ये डेली ट्रांजेक्शन छूटा पैसा। ये कॉपर के जो कॉइन चलते उसको बोलते थे दाम या पैसा। और मुगल सल्तनत के अंदर यहाँ पे हम जानते हैं कि आईएएस, तो उसके अंदर अलग अलग पे स्केल है कि ये अंडर सेक्रेटरी, ये चीफ सेक्रेटरी, इसका ये स्केल वो स्केल। उस प्रकार मुगलों ने भी मनसबदारी सिस्टम कुछ लागू की थी, उस हिसाब से उनके स्केल हिसाब से पैसा दिया जाता था। और सिस्टम ये थी कि आपको जितना भी पगार देना है उसका 50% गोल्ड में दिया जाएगा, 25% सिल्वर और 25% कॉपर में, इस हिसाब से, ताकि राजा की तिजोरी में अचानक से सोने की चांदी की तंगी ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके वो बांट के देंगे। खैर तो हम अब केस स्टडी देखें, ये कॉपर के जो कॉइन्स थे जिसे हम बोलते हैं दाम, और उसका डीबेसमेंट। अकबर राजा गुड एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेबल ट्रेड पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मेंटेन करता है। तो उस वक्त वो जो कॉइन बनाता था, आप देखिए कैसा एकदम व्यवस्थित राउंड शेप दिया गया है, और हर एक कॉइन के अंदर 20 ग्राम कॉपर था। जनता को राजा पे भी यकीन था और उसके इस कॉइन के वजन पे भी यकीन था कि जब तक मजा आए तो ठीक है, नहीं तो पिघला के कुछ हम ज्वेलरी वगैरह बना लेंगे। काफी अच्छा उसका राज चला। फास्ट फॉरवर्ड करके आप औरंगजेब के टाइम पे आओ तो देखो क्या हुआ है। एक तो शेप बिगाड़ दिया उसने, और यहाँ पे जो एक सिक्के में 20 ग्राम कॉपर था, यहाँ केवल 13 ग्राम कॉपर है। अब सवाल होता है ये क्यों किया गया। इट इज कॉल्ड डीबेसमेंट ऑफ द मेटल कॉइन्स। कारण औरंगजेब के जमाने आपको पता है कि इंटरनल रिबेलियन बहुत सारे हो गए थे, तो सेना को उसने ढेर सारा पैसा देना पड़ता था। फिर ये दूसरे ये रजवाड़े दीवान उन सबको भी राजी करने के लिए ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। अब स्वाभाविक है उसकी तिजोरी में तो लिमिटेड मेटल होगा, और इन सबको ढेर सारा देना है तो आप क्या करोगे। पहले जो बड़े बड़े टुकड़े में सिक्के छापते थे, अब छोटे छोटे छापना शुरू करो। जब ऐसा हो गया तो अपने आप ही लोगों का भरोसा इसकी इकोनॉमी और इसके कॉइन पे से उठने लगा कि अब यार 13 ग्राम तो इसको मेटल अगर मेल्ट करेंगे तो हाथ में क्या आएगा। ऐसा सोच के जनता धीरे धीरे वापस बार्टर सिस्टम में चली गई कि हम औरंगजेब के सिक्के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो ये इतने गेहूं के सामने इतने टमाटर, वो बार्टर सिस्टम। जब बार्टर सिस्टम यूज होगी तो स्वाभाविक है व्यापारी जो इतने हमारे को मोहर मिली, इतना दीनार मिला, वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे। अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगी तो राजा उस पे से ढंग से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे उसी कारण जनता का इसकी करेंसी पे विश्वास उठने लगा। आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपना कुछ चांदी के सिक्के वगैरह चालू किए, तो जनता ने वो यूज करना शुरू किया। मुगल सल्तनत क्यों कोलैप्स हो गई, बहुत सारे रीजन है, बट वन ऑफ द मेनी रीजन वो ये था, डीबेसमेंट ऑफ द कॉइन्स। अपने आप जब सिस्टम खराब होने लगे तो राजा खुद ही छोटे वेट वाले कॉइन्स इशू करेगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा और वो कहीं और चले जाएंगे। ये अपना मुगल सल्तनत का रोना है ऐसा नहीं,
आप रोमन साम्राज्य का पतन देखें तो वहीं पे भी जब पतन होने लगा तो उनके बड़े कॉइन से अचानक छोटे कॉइन पे आ गए। तो डीबेसमेंट ये सिस्टम है और ये नुकसान करता है। एडिशनल नेगेटिव पॉइंट्स, बल्की टू कैरी, अगर आपने जहाज में भेजा और वो डूब गया तो रिकवर कैसे करोगे। कई बार ये होता है कि अकबर के अंदर 20 ग्राम कॉपर मिल रहा है और बाजू में कोई फालतू राज्य है तो वहां के लोग यहां से कॉपर ले जाएंगे, स्मगलिंग करेंगे और फिर पिघला के कुछ चीजें बेचना शुरू करेंगे, तो स्मगलिंग होता रहेगा और राजा की मेटल डिपॉजिट कम होती रहेगी, तो वो फिर डीबेसमेंट शुरू कर देगा और वापस उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। एक और चीज जिसको बोलते हैं बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, समझते हैं। एक राजा ने मान लो आपको एकदम फ्रेश सिल्वर कॉइन दिए हैं, आप सभी कॉइन को कपड़े की एक थैली में डालो और जोर जोर से ऐसे हिलाओ, क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण कुछ उसका सिल्वर पाउडर आपकी थैली में चिपक जाएगा। फिर आप कॉइन्स बाहर निकाल दो, थैली को धो के पानी फिल्टर करोगे तो आपके पास सिल्वर कुछ और आ गया। तो मतलब इस हिसाब से जनता खुद ही ओवर स्मार्ट बन के जो अच्छे कॉइन्स आते थे उसको उसमें से मेटल निकाल के फिर जो बुरे कॉइन मतलब ओछे वेट वाले जो बैड मनी है वो सर्कुलेट करना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी या फिर ग्रीशम्स लॉ। तो ये मेटल के करेंसी के अंदर बहुत नुकसान करता है। तो स्वाभाविक है कमोडिटी में तकलीफ तो मेटालिक में गए और मेटालिक में तकलीफ तो पेपर करेंसी अब हमने शुरू की होगी। पेपर करेंसी को फियाट मनी भी बोलते हैं। फियाट शब्द का मतलब है लीगली बाइंडिंग कमांड। लीगली बाइंडिंग कमांड इसलिए क्योंकि फियाट मनी जो भी रूपी डॉलर पाउंड वगैरह इश्यू किया गया गवर्नमेंट के आदेश से सेंट्रल बैंक को पावर दे के इश्यू किया गया है। यूएस डॉलर है, इंडियन रूपी, यूरो, येन, युआन, ये सारे एग्जांपल्स हैं फियाट मनी के। फियाट मनी क्योंकि सरकार का बैकिंग है इसलिए इट इज द लीगली रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ पेमेंट टू सेटल ऑल डेब्ट्स एंड पेमेंट्स विद इन द एरिया। बार्टर सिस्टम में क्या था, अगर आप जमींदार से मान लीजिए एक बैल उधारी पे लेके आए कि मुझे ये खेत जोतना है और वो बैल मर गया तो फिर जमींदार आपको परेशान करता रहता कि मुझे एक नहीं वो दो बैल चाहिए, या वो तो मेरा प्रिय था तो उसको जमा नहीं कर सकते तो अपना बेटा गिरवे रखो वगैरह। फियाट मनी में वो समस्या नहीं है। क्यों, अगर मर भी गया तो कोर्ट में जाओ तो कोर्ट तय करेगी कि बाजार में क्या दाम चल रहा है एक जोड़ी बैल का, उस हिसाब से प्लस इतना आपको डैमेज हुआ जोड़ के दे दो। इट कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग ऑल टाइप्स ऑफ डेब्ट्स विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ये याद इसलिए रखना है कि आपको एग्जांपल में कुछ दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें फियाट कौन सा और कौन सा नहीं, तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे ये उसका टेस्ट रहेगा, इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फियाट मनी किसको नहीं बोलेंगे हम, जिसको लीगल बैकिंग ना दिया गया हो। फॉर एग्जांपल ये किराना वाले जो छुट्टा नहीं ऐसा बोल के प्लास्टिक कॉइन कूपन देते हैं, इट इज नॉट फियाट मनी। फिर फिल्म स्टार के फोटो वाली जो फेक करेंसी होती है बच्चों के खेलने के लिए व्यापारी और उसके जो, तो वो सारा फियाट मनी है, फियाट मनी नहीं है। कंपनी के शेयर हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सारे भी फियाट मनी नहीं है। आप सोचिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल तो सरकार के आदेश से इशू किए गए बट स्टिल वी कैन नॉट कॉल देम फियाट मनी। क्यों, क्योंकि आप अपनी उधारी चुकाने के लिए वो किसी को नहीं दे सकते, सामने वाली पार्टी को, अगर वो राजी हो ले तो बात अलग है, अदरवाइज लीगली इट इज नॉट एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। इस कारण वो मैंने आपको बताया जी सेकंड टी बिल दे आर नॉट फियाट मनी। उसी प्रकार डीडी है, चेक, क्रेडिट कार्ड, एडीएम कार्ड, ये सारे भी फियाट मनी इसलिए क्योंकि सरकार ने खुद इश्यू नहीं करवाए और हो सकता है सामने वाली पार्टी छोटे ट्रांजेक्शन 5 रुपए की आपने चाय पी और आप बोले कि मैं चेक देता हूँ, इस कारण से ये सारी चीजें फियाट मनी नहीं है। उसी प्रकार ये बिटकॉइन है और दूसरी ऐसी डीजी कॉइन, लक्ष्मी कॉइन, जो भी डिजिटल करेंसी, दे आर ऑल्सो नॉट फियाट मनी क्योंकि लीगल बैकिंग से नहीं और सारे डेब्ट उससे सेटल आप नहीं कर सकते। अब ये फियाट मनी के दो प्रकार हैं, एक तो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा होता है पेपर स्टैंडर्ड, ये समझे हम। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड, शुरुआती समय में बिफोर वर्ल्ड वॉर वन कुछ स्टैंडर्ड ऐसा बना कि अमेरिका की रिजर्व बैंक $1 छापेगी अगर उसकी तिजोरी में 22 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड है। उसी हिसाब से ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड £1 छापेगी अगर उसकी तिजोरी में 113 ग्रेन गोल्ड है। तो मतलब जितना सोना ज्यादा होगा उतना आप नोट ज्यादा छाप सकते हो। और इसके कारण एक्सचेंज रेट भी गोल्ड स्टैंडर्ड से ही चला कि £1 की डॉलर में कीमत क्या होगी, तो आप ये गोल्ड का रेशियो निकालो और पता चलेगा ये £1 विल इक्वल टू 4.8 यूएस डॉलर, ये सब चला। लेकिन फिर ये पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तो सरकारों ने धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड खुद ही हाथ जोड़ लिए कि नहीं, तिजोरी में हो जितना सोना उससे तो हमें ज्यादा नोट छापने पड़ते हैं। क्यों,
ये इतने सारे सैनिकों को पगार देना है, बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाना है, इतने टैंक का प्रोडक्शन करना है, वी कैन नॉट सस्टेन, केवल गोल्ड स्टैंडर्ड से चलाएंगे। तो धीरे धीरे सब लोग इसमें से निकल गए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमने देखा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर ये IMF सिस्टम, उन्होंने वापस उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की यूजिंग दैट गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट रिजीम जो हमने अभी पिछले सेशन में देखा, लेकिन वो भी कोलैप्स कर गया। आजकल जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं पेपर स्टैंडर्ड, मतलब सेंट्रल बैंक को छूट है जितनी नोट छापनी है, जितने सिक्के निकालने आप छापो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास इतना गोल्ड हो तभी जाके आप इतना छाप सकोगे, नो, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेपर स्टैंडर्ड। और पेपर स्टैंडर्ड के अंदर जो एक्सचेंज रेट रिजीम, तीन टाइप की हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, फ्लोटिंग, और दोनों के बीच में वो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए। भारत के अंदर ये पेपर स्टैंडर्ड है वो कैसे लागू होता है, RBI कुछ छापती है और सरकार कुछ छापती है। RBI क्या छापती है, 2 रुपए से लेके 1,000 रुपए के नोट वो छापती है, पहले तो 10,000 तक के नोट छापे जाते थे। ये सब वो क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इम्पावर्ड अंडर RBI एक्ट ऑफ 1934। सरकार की बात करें, सरकार 1 रुपए की नोट छाप सकती है, हाँ, सभी कॉइन्स कौन इश्यू करेगी, सरकार। लेकिन आगे चल के सरकार ने ये सोचा कि 1 रुपए की नोट में कुछ मजा नहीं है, उसको डिसकंटिन्यू किया। RBI ने भी 2 रुपए की नोट को डिसकंटिन्यू किया। लेटेस्ट अपडेट ये है 2015 में कि सरकार वापस 1 रुपए की नोट्स इश्यू करेंगी। अब सरकार इश्यू करेंगी तो फिर उस पे सिग्नेचर कौन करेंगे, राजन भाई करेंगे, नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी करेगा जो अपने हैं राजीव मेहर्षि, एंड इट विल बी बायलिंगुअल सिग्नेचर, इंग्लिश में भी करेंगे हिंदी में भी करेंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि सरकार को ये करने के पावर है अंडर क्वाइनेज एक्ट ऑफ 2011। तो ये लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, तो आप याद रखिएगा कौन क्या इशू करता है, किस पे कौन सिग्नेचर करता है, MCQ में परेशान कर सकता है। खैर, तो ये अपना इंडियन पेपर स्टैंडर्ड और उसी प्रकार दूसरे देशों में चलता है। ये था एक प्रकार से फियाट मनी। फियाट मनी की क्या समस्या है, यहां पे भी डिबेसमेंट हो सकता है, कैसे, मन मुताबिक नोट छापना शुरू करो, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बाद जर्मन सरकार ने किया, और फिर जो आ जाएगा ओवर प्रिंटिंग के कारण हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। ये फियाट मनी भी ढेर सारा, अगर 10 लाख 10 करोड़ लेके जाना हो तो बल्की टू कैरी, डेंजरस टू कैरी, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, कोई नकली नोट छाप सकता है, समस्याएं काफी है। और छुट्टे की रोज की मगजमारी, और रोज की मगजमारी में अगर राउंड ऑफ किया जाए तो हो सकता है दूसरे, मान लीजिए अगर आपको ब्याज में किसी बैंक ने 40 पैसा देना है और वो राउंड ऑफ करके देखे नहीं ये तो 50 से कम है तो मैं आपको 40 पैसे वो नहीं दूंगा, और इस प्रकार से 1 लाख कस्टमर को ठग ले तो 40,000 तो बैंक ऐसे ही कमा गए। तो ये सारे फियाट मनी की समस्याएं हैं। तो स्वाभाविक है पेपर मनी या फियाट मनी में कुछ समस्या होगी तो एवोल्यूशन और आगे होगा। एवोल्यूशन पे आगे हुआ बैंक मनी। ये बैंक मनी चीज क्या है, एग्जाम्पल इसके चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वीजा, मास्टर, रुपए कार्ड और उसके जो सारे मैकेनिज्म चलते हैं, ATM कार्ड, फिर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में ये NEFT, RTGS, ये सारी चीजें क्या है, बैंक मनी है। बैंक मनी काम कैसे करता है, उसके बैंक में एक कोई ना कोई जगह पे किसी का बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपोजिट हो सकती है। इस अकाउंट के अनुपात में व्यक्ति को कुछ पावर दिया जाता है बैंक मनी इशू करने का। पेपर ऑर्डर की बात करें तो आप चेक इशू कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हो, इलेक्ट्रिक ऑर्डर के नाम पे NEFT, RTGS या क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन जो भी आप करते हो, तो मतलब बॉटम में कोई बैंक अकाउंट है और उसके सामने बैंक मनी इस प्रकार से आपने इशू किया। इसकी मदद से आप स्पॉट पेमेंट कर सकते हो कि आज ही गए क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद लिया। डिफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो, मतलब आज ही गए क्रेडिट कार्ड खरीद लेकिन EMI में कि 6 महीने 8 महीने में ये पूरा सिस्टम हम आपको रिपे करेंगे। तो बैंक मनी के ये सारे फायदे और ये मैकेनिज्म हुआ। फायदे, एक तो लंबे अंतर पे भी आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो, सीधा ऑनलाइन बैंकिंग में कहीं भी पैसा भेज सकते हो, एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब अब छुट्टे की वो पूरी मगजमारी रहेगी नहीं, इसकी नकल बनाना काफी मुश्किल है। अगर आपका बैंक मनी चोरी भी हो गया, मान लो क्रेडिट कार्ड चेकबुक किसी ने चोरी कर लिया, तो आप उसको फ्रीज करवा सकते हो, और फ्रीज करवा सकते हो, और अगर वापस रिकवर भी करना हो तो पॉसिबल है, क्यों, KYC नॉर्म के अंतर्गत जिसने भी बैंक अकाउंट वगैरह है कहीं ना कहीं कुछ पता मिल सकता है। और लीगली इट इज रिकॉग्नाइज फॉर ऑल हाई वैल्यू पेमेंट्स, आप चाहो तो मकान खरीदना है, एडमिशन फी देना है, चेक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है।